हेलो गाइस, दिस इज़ मी एनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है शुड आई विश हैप्पी बर्थडे टू माय एक्स। ये एक क्वेश्चन है जो मुझे बार बार आस्क किया जाता है ऑन इंस्टाग्राम। बट बिफोर गोइंग टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आई वुड से अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, जिस पे ज़्यादा मैं एक्टिव रहता हूँ, एंड आई विल डेफिनेटली लव टू हेल्प यू गाइस। सो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है, क्या मुझे मेरी एक्स को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहिए या नहीं। एक ऐसा क्वेश्चन है, आई नो आपके अंदर बहुत इमोशंस उभर रहे हैं, आपका ब्रेकअप हुआ है, आपने नो कॉन्टेक्ट पे अमल किया और अब आ गई है उसकी बर्थडे, और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको उसको विश करना है या नहीं, बिकॉज आप इमोशंस में, ठीक है। लेकिन मैं इसलिए यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं इमोशंस में नहीं हूँ, तो मैं आपको बेटर मशवरा दे सकता हूँ, ठीक है। पहली बात तो यह है कि आपको विश नहीं करना। क्यों विश नहीं करना, इसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। इसके पीछे रीज़न ये है कि उनको आपने थोड़ा कंफ्यूज करना है, ठीक है। कंफ्यूज आप कैसे करेंगे, जब आप उनको अपनी लाइफ के बारे में ख़बर नहीं होने देंगे, जब आप उनको ये बताएंगे कि मैं यू नो वैल्यूबल, आप भी वैल्यूबल हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उन्होंने आपको छोड़ा है तो फिर तो आपको कभी भी विश नहीं करना चाहिए किसी भी हाल में, बिकॉज आपको किसी की बाउंड्री की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी की यू नो सेल्फ रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी जो स्पेस है उसकी आपको कभी विश नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों विश नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा दिन है जो उनका दिन है, ठीक है, जिनमें उनको बहुत लोग मैसेजेस करते हैं, बहुत लोग विश करते हैं। सो अगर आप विश नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल आप रिलेशनशिप में थे, आप उसे बहुत विश करते थे, आप गिफ्ट देते थे, ये वो, बट अगर आप अब विश नहीं करेंगे तो इट इज़ लाइकली कि वो इस बारे में सोचेंगी और वो आपको मिस करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ा दिन है, तो आपको यकीनन उनको अपना आप मिस करवाना है, और कैसे करवाएंगे, जब विश नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा इमोशंस में हैं, जैसे कि मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि सर प्लीज़ मुझे इजाज़त दे दें कि मैं विश कर दूं और ये वो, मैंने हमेशा से विश किया है, इस बार अगर नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो अगर सिचुएशन कुछ ऐसी है, इमोशंस में आप डूबे हुए हैं, तो मैं कभी कभी कह देता हूं कि चलो अच्छा कर लो, लेकिन एक लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना, बस हैप्पी बर्थडे, आई होप यू आर डूइंग वेल, बस इतना कहना है और फिर गायब हो जाना है दोबारा उसकी लाइफ से। क्योंकि जितना आप दूसरे की सेल्फ बाउंड्री को यू नो वॉयलेट करते हैं, आप जब जितना किसी के साथ घुसते हैं, उतना लोग आपको ह्यूमिलिएट करते हैं। जब एक इंसान आपको नहीं चाहता अपनी लाइफ में, और मे बी आपकी किसी आदत की वजह से उन्हें बुरा लगा है, या जो भी रीज़न है, उनको आपके साथ फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा, तो आपको ये बात समझनी चाहिए। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इसी बात का होता है कि मुझे इस तरह के बहुत मैसेजेस आते हैं और उनको समझाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि वो इमोशंस में होते हैं उस टाइम, उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। और कुछ सालों बाद आपको खुद जाके समझ आती है कि उस टाइम कितना सिंपल था सब कुछ, और मैं खुद उसको कॉम्प्लिकेट कर रहा था। जब एक इंसान मुझे नहीं चाहता था लाइफ में, तो अगर मैं उसे स्पेस देता तो शायद मेरी कुछ अहमियत बन जाती, लेकिन मैंने अपना सारा बेड़ा गर्क खुद किया था, खुद ही मैं अपनी मैंने बेइज्जती करवाई थी, और इतना चिपक गया था मैं उनके साथ कि वो दूर चले गए थे। तो खैर, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही छोटा है, ठीक है, और बस यही कहना चाहूँगा कि अपनी कदर करें, बर्थडे उनको विश ना करें, ठीक है। अगर वो आपको विश करते हैं तो आप अच्छे से बात कर लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्री हो जाएं और आप ये समझ लें कि दोबारा वो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। समटाइम्स पीपल मिस यू, वो थोड़ी बहुत आपसे बात करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे दोबारा से रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, क्योंकि कुछ आपकी ऐसी आदतें उनको लगती हैं जो उनके दिमाग में बैठ जाता है कि यार ये चेंज नहीं हो सकती आदतें, तो इसलिए वो कभी वापस नहीं आते। सो आज के लिए इतना ही, बर्थडे विश नहीं करनी आपको, नहीं करनी, नहीं करनी, ठीक है। स्ट्रांग बने रहें, अपने ऊपर वर्क करें, या तो वो वापस आएगी या उस जैसे हज़ार लोग और आए जाएंगे, सो बल्कि उससे भी बेटर आएंगे। सो लव योरसेल्फ एंड टेक केयर अ लॉट। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा ऑन इंस्टाग्राम।